बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पालक के पकोड़े। तो पालक के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक कप बेसन लिया है और एक कप मैदा लिया है। इन दोनों को मैंने छान लिया है। बस इसमें मैंने लिया है खुश्क धनिया साबुत, हल्दी, कुटी मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा और नमक। स्मॉल साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको मैंने इस तरह से काट लिया और एक प्याली भर के यहाँ पे मैं पालक ले रही हूँ। पालक मैंने फ्रोज़न ली है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बाउल में डालेंगे। बाउल में पालक ऐड करेंगे, साथ ही प्याज ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसीज ऐड करेंगे, बेसन और मैदा ऐड करेंगे। मैदा इसीलिए डाल रही हूँ कि ना इससे जो पकोड़े ना वो क्रिस्पी बनते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरह से हमने इसका बैटर तैयार करना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक तरफ से ये हो गए, अब हम इसको 5 मिनट पर हल्के आंच पर इसी तरह दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे पालक पकौड़ा बनकर तैयार है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। आप इसे कढ़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत झटपट बनते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।